खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अहद करता हूँ कि बतौर एमरजेंसी रेस्क्यूअर मैं खुलूस नीयत से पूरी लगन और दयानतदारी के साथ इस एमरजेंसी सर्विस पर खिदमत सर अंजाम दूंगा। मलिक अहमद खान साहब, जिनको मैं ना सिर्फ स्पीकर कहूँगा बल्कि आई थिंक आज रेस्क्यू का अवार्ड भी हमने दिया है, साथ ही इनको हम एक चीफ रेस्क्यूअर भी कहेंगे, बिकॉज हमेशा जहाँ पे भी रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे हमेशा ये एज अ रेस्क्यूअर चाहे कहीं पे भी मुश्किल टाइम में हमेशा साथ रहे हैं। सो सर, आज रेस्क्यू अवार्ड मिलने पर भी इनको मुबारकबाद है। हमारे दरमियान आज अरशद नदीम साहब मौजूद हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ऑनर है कि जिस तरीके से इन्होंने ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल लिया, आई थिंक एवरी पाकिस्तानी जो है वो, यानी उसको अल्फाज में बयान करना उसको मुश्किल है जो एहसासात और जज्बात इस चीज़ के ऊपर हैं। सो ऑन बिहाफ ऑफ दी पाकिस्तान रेस्क्यू टीम, जो कि पूरी जनूबी एशिया के अंदर पहली अक़वामे मुत्तहिदा से इंसराक सर्टिफाइड टीम है, उसके बिहाफ पे और तमाम रेस्क्यूअर्स के बिहाफ पे हम आपको इस चीज़ के ऊपर और ये पाकिस्तान के करने पर तमाम रेस्क्यूअर्स के बिहाफ पे हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और साथ ही साथ आई थिंक हम आपको अपना रेस्क्यू का एम्बेसडर बनने के लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं ताकि ये स्पोर्ट्स को जो है हम आगे प्रमोट कर सकें और इंशाल्लाह हर ज़िले से हमारे पास लोग ट्रेंड हों जो कि अगले आने वाले सालों में जाके ऐसी गेम्स में नुमाइंदगी कर सके। अब जिस तरह आज पंजाब ने मॉडल बनाया, हम उम्मीद करते हैं कि तमाम सूबों में इसी मेयार इसी सर्विसेज के ऊपर हर पाकिस्तानी को ये एहसास तहफ़ होगा कि बगैर किसी सिफारिश के जब वो एक नंबर जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने दिया है 1122 और यूरोप का भी नंबर आज 112 है, तो उसके ऊपर जैसे ही वो डायल करेंगे तो बगैर किसी सिफारिश के अमीर गरीब का फ़र्क रखे बगैर आप सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं, इस चैलेंज के लिए तैयार हैं, जो हल्फ उठाया उस पर पूरा उतरने के लिए तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालदैन का, पूरे पाकिस्तानी कौम का, पूरे पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे पेरिस ओलंपिक्स गेम्स 2024 में गोल्ड मेडल और उनके साथ साथ पेरिस ओलंपिक्स गेम्स का रिकॉर्ड भी ब्रेक करवाया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके साथ साथ डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर साहब का, जिन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मेरा वेलकम किया, मैं इनका बेहद मशहूर हूँ, और इनकी पूरी टीम का जिन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से मेरा वेलकम किया। ज़ीरे महकमा हेल्थ ख्वाजा सलमान फीक साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जैसे कि आज माशाल्लाह मैंने रेस्क्यू 1122 में नौजवानों को माशाल्लाह मैंने देखा है और मेरे ख्याल में इनकी बड़ी अच्छी फिटनेस है, और मैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं भी इनके साथ रह के इनको भी ट्रेनिंग करवाऊँ, खुद भी करूँ, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग और मेरी ट्रेनिंग जो फिटनेस है वो मेरे ख्याल में तकरीबन सेम ही होगी, तो मैं इनके लिए दुआ गूँ, अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और ये भी इसी तरह पाकिस्तान का जो नाम है वो बुलंद करते रहें और आवाम की खिदमत करते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जनाब डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, कोई इसमें कलाम नहीं कि आपने बड़ी जहद मुसलसल के साथ, बड़ी हिम्मत खंदा पेशानी के साथ आपने एक मंसूबा जो अपनी इब्तदा में एक ख्वाब लगता था कि शायद कभी ये शर्मिंदा ताबीर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वो जो कागज़ पे लिखे चंद अल्फाज थे उनको अमली जामा पहनाने के लिए आपकी अनएंडिंग गैर मुतजलजल हर वक्त की काविश कोशिश ने आज ये शक्ल दिखाई है। आज हमारा सर फख्र से बुलंद है कि हमारी रेस्क्यू सर्विसेज अक़वामे मुत्तहिदा के अंदर सर्टिफाइड आईएसओ की वो पोजीशन लेगी
जो इस पूरे रीजन में किसी के पास नहीं। ये अक़्वाम आलम में सरबुलंदी का मकाम है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ डिसिप्लिन हो, जहाँ कारकर्दगी हो, जहाँ जज्बा हो, जहाँ हिम्मत हो, वहाँ पर ऐसी शानदार मिसालें कायम होती हैं जैसी रेस्क्यू 11-22। और आप सबको इस पर बेहद तहसीन और मुबारकबाद हर वक्त देने का दिल करता है। मैं एक बार फिर इस बात पर भी आपका मोतरिफ हूँ कि ये सर्विसेज सिर्फ पंजाब का हिस्सा ना रहीं, ये पूरे पाकिस्तान में फैली। और ये हमारा फख्र है कि हमने इस सूबे में होते हुए वफाकी सतह पर, कौमी सतह पर रेस्क्यू 11-22 को अपने बाकी भाइयों के सूबों तक भी यहाँ से ट्रेन करके भेजा। आज जिस तरह से सिंध के डीजी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, ये मेरा यकीन है और वहाँ की सियासी क़यादत जनाब सैयद मुराद अली शाह साहेब, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप उसी अज़्म के साथ इस मंसूबे को उतनी फंडिंग जितनी दरकार है इसको प्रोफेशनल करने के लिए, इसको इनेबल्ड करने के लिए, इसके अंदर कोई मेरिट की कमी ना आने देने के लिए अपना पॉलिटिकल रिजॉल्व करेंगे। हमारी सियासी क़यादत ने उसमें मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमतें रही होंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक अदारा सियासत से, नेपोटिज्म से, सफारिश से अपनी भर्तियों में किसी किस्म की लाइक और डिसलाइक से मुबर्रा रहा, इसीलिए आज ये अल्हम्दुलिल्लाह एक तनावर दरख्त है। आप सब लोग अपने मेरिट्स की बुनियाद पर यहाँ से पास आउट होकर जाते हैं। मैं इस मौके को इस मर्तबा वज़ीर आला पंजाब की इस विजन को कि जहाँ तक ये रेस्क्यू सर्विसेज नहीं पहुँच रही वहाँ तक भी पहुँचनी चाहिए, चाहे इसका जितना भी बोझ फाइनेंशियल इम्पैक्ट आए। और मैं पाकिस्तान में बल्कि इस रीजन में पहली फजाई रेस्क्यू सर्विसेज को जारी करने पर चीफ मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट और रेस्क्यू के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूं। तो मुझे यकीन कामिल है कि वो जो ये रेजिलिएंट कौम जिसका एक हीरो अरशद नदीम अपनी जहद मुसलसल, अपनी मेहनत, अपनी ट्रेनिंग, ये ऐसे नहीं हुआ, ये मोजज़े नहीं हैं, ये मेहनत का समर है, ये की गई कोशिश का नतीजा है, ये दिन रात कोशिश करना, मेहनत करना, नतीजा अरशद नदीम गोल्ड मेडलिस्ट बनकर ओलंपिक्स लेकर आता है, ये मेहनत करना, दिन रात कोशिश करना, नतीजा 11-22 की सूरत में नजर आता है। मैं इस पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। पाकिस्तान के झंडे को पूरी दुनिया में बुलंद किया, और जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के झंडे को बुलंद करता है हम सब उससे इश्क करते हैं, और ये इश्क इस कौम का हर उस अजीम बेटे और बेटी के साथ है जो पाकिस्तान के लिए इज्जत का बाइस बनते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुदा ताला आपको ऐसी कामयाबियां दें। पूरी कौम ने आपको बहुत दुआएं दी हैं और उन दुआओं के नतीजा में और आपके वालदैन और आपके कोच और आपका अपना धीमापन और आपकी आजजी और आपकी मेहनत कभी रागा नहीं हो सकती। हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, महकमा एमरजेंसी सर्विसेज की तरफ से, मियां चन्नू जिससे बहसियत मुस्लिम लीग के मेरा एक रूहानी ताल्लुक़ है गुलाम धरवानी साहब की वजह से, उस शहर से मियां चन्नू से 25 किलोमीटर दूर हमारे इस कौमी हीरो का खूबसूरत गांव है। तो मियां चन्नू का जो हमारा स्टेशन रेस्क्यू का, वो हम आपके नाम से मंसूब करते हैं, ये हमारे लिए इज्जत की बात है। और उस स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर भी नए स्टेशन का ऐलान करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। और आखिर में मैं आपको एक पैगाम देना चाहूँगा, शुक्रिया के बाद सारे रेस्क्यूअर्स को, पाकिस्तान की कौम को, बेटों को, बेटियों को, कि तस्लीम के रात अंधेरी है,
تسلیم کے رات اندھیری ہے، آلام کی گھمبن گھیری ہے، تیرا تن زخموں سے چور بہت، میرا دل غم سے رنجور بہت، اے کعبہ دل اے ماں بدے جہاں، تجھے زخمی چھوڑ کے جاؤں کہاں، میرے جیتے جی ان شہروں پر، ان کھیتوں پر، ان نہروں پر اسیب کی زردی چھائے کیوں، تیرے نین کور مرجھائیں کیوں، اے میرے پیارے وفا یقین، خوشحال صدا عباس صدا، تیری سرخی لب شاداب صدرا، تیرے بازو گجرے لال صدا، سر رکھ دیں گے ہر پتھر پر، دل رکھ دیں گے ہر ڈالی پر، ہم آنچ نہ آنے دے کا کبھی اس خاک کی خوش اقبالی پر، اور اس کال میں کوئی بات نہیں کہ تیرے نام کی اجلی وردی سے بڑھ کر کوئی جامع پاک نہیں، پاکستان زندہ باد!